हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस मंच में। बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन अब से वीडियोस का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा। आप लोगों को टाइम टाइम पर हमारी वीडियोस मिलती रहेगी। हम लोगों ने जो UPSC मेंस के लिए GS पेपर 1 और पेपर 4 की सीरीज़ शुरू की थी, हिस्ट्री जिसने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उसकी सीरीज़ शुरू की थी, वो सब एज इट इज़ ही चलती रहेंगी। आपको डेली 1 से 2 वीडियोस मिलती रहेंगी उसकी। यूपी के लोअर का एग्ज़ाम होने वाला है और RO का एग्ज़ाम हो चुका है। नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम PGT TGT होने वाले हैं। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो उसके लिए हम लोगों ने ऑडियो लेक्चर सीरीज़ शुरू की है हिंदी में, जो कि आप लोग कहीं भी ट्रेवल कर रहे हों, कहीं आप कुछ काम कर रहे हो हैंड से, तो कान में ईयरफोन लगा के ये ऑडियो लेक्चर सीरीज सुन सकते हैं और अपने जो टाइम का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसे स्मार्ट स्टडीज़ कहते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो लेक्चर में होता है कि सामने क्वेश्चन भी दिखेंगे और ऑडियो हम लोग बोलेंगे भी, तो वो तो डबल बेनिफिट होता ही है। लेकिन कभी कभी जैसे कुछ काम हम लोग कर रहे होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड का यूज़ नहीं होता, तो उस समय हम ईयरफोन लगा के ऑडियो लेक्चर सुन सकते हैं। ट्रैवलिंग में हम ऑडियो लेक्चर बहुत आराम से सुन सकते हैं, जहाँ 1-2 घंटे की ट्रैवलिंग होती है वहाँ पर। और इसका एक बेनिफिट ये होता है कि हम लोग अगर रात में सो रहे हैं तो कान में लीड लगा के आराम से हम लोग ये लेक्चर सुन सकते हैं, और फिर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इस जो क्वेश्चन आंसर है उसको ऑब्जर्व करता है और हमें काफ़ी दिनों तक लर्न रहती है। तो आज मैं यहाँ पर हिस्ट्री का शुरू करने जा रही हूँ, Part 1। और हम लोग इसमें अभी सिर्फ हिस्ट्री ही करेंगे और कोई सब्जेक्ट शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री हर एक एग्ज़ाम का एक मुख्य बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है। चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, कोई टीचिंग प्रोफेशन का एग्ज़ाम है, CTET का एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, तो हम लोग हिस्ट्री एक मेन है और जिसमें कभी कोई चेंजेस नहीं आता है उससे शुरू करूँगी। और यहाँ मैं आप लोगों को वन लाइनर ऐसे फैक्ट्स कराऊँगी जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, मैं वो भी बताऊँगी कि किस एग्ज़ाम में कब आया हुआ है। और अगर हम लोग लास्ट ईयर के एग्ज़ाम के पेपर्स कर लेते हैं तो हमारा 30-40% पेपर वैसे ही कवर हो जाता है। तो हिस्ट्री का ऑडियो लेक्चर Part 1 यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे एक क्वेश्चन से जो कि यूपी लोअर में आ चुका है, प्री में 2015 में। क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? तो वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और वो पुरातत्वविद भी थे। ये दोनों है, ऑप्शन में ये दोनों आया था तो ये क्वेश्चन गलत मान लिया गया था। बट अगर आपके पास दोनों में से कोई एक ऑप्शन आता है, भूगर्भ वैज्ञानिक या फिर पुरातत्वविद, तो दोनों में से कोई एक आप ऑप्शन लगा सकते हैं। अगर दोनों आता है तो ये क्वेश्चन गलत माना जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कॉपेनहेग संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया था? वो किया था थॉम्सन ने। थॉम्सन के बारे में बता दूं कि डेनमार्क के कॉपेनहेग संग्रहालय की सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य, लोह युगीन का त्रियुगीन विभाजन 1820 में पुरातात्विक क्रिश्चियन जॉनसन थॉम्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, उत्खलित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का आरंभ जो माना जाता है वो मध्य पाषाण काल से माना जाता है। ये क्वेश्चन UPSC में मेंस में 2006 में आ चुका है। जो पशुपालन के साक्ष्य मिले थे भारत में वो आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, तथा बागौर जो कि भिलवाड़ा राजस्थान में। यहाँ सबसे पहले मध्य पाषाण काल के पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले हैं वह स्थान कहाँ है? अभी हमने बात की थी आदमगढ़ की और बागौर की, तो जो ऑप्शन होगा आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे, तो यहाँ आदमगढ़ और बागौर दोनों इसमें मेन आंसर होगा। यहाँ पर दिया गया, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो हड्डी के उपकरण बहुत अधिक जगह से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे महदहा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। यहाँ से हड्डी एवं सींग के निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जिया शर्मा ने
महदहा में तीन क्षेत्रों का उल्लंघन करते हैं, जो कि झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी और सींग निर्मित उपकरण, आभूषण बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी मेदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? एक ही कब्र से तीन मानव कंकाल, वो निकले हैं दमदमा से। तो दमदमा से तीन मानव कंकाल निकले हैं। तो दमदमा हमारा मध्य गंगा घाटी प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय नाहर राय महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ है। यहाँ उत्खनन के परिणाम स्वरूप बहुत सारी जानकारियाँ मिली हैं। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक उत्खनन के परिणाम स्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। इन शवाधानों में से 5 शवाधान युग्म शवाधान, मतलब कि डबल डबल पाए गए हैं, और एक में तीन मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले हैं। शेष शवाधानों में एक एक कंकाल मिले हैं, जबकि सराय नाहर राय से ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हैं। तो 3 की अगर बात करेंगे तो हम दमदमा लिखेंगे, अगर 4 हमसे पूछा जाएगा तो हम लिखेंगे वहाँ पर सराय नाहर राय। यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थी और कब्रें छिछली तथा अंडाकार थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? पावापुरी में की थी। भागवत किस विदेशी दूत को कहा जाता है? तो हेलियोडोरस को भागवत कहा जाता है, जिसने विदिशा में स्थित एक गरुण स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक कालीन लोगों ने सर्वोत्तम तांबे का प्रयोग किया था। ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को संत कवि कहा जाता है। जाठों का प्लेटो सूरजमल को कहा जाता है। इसके जो दरबारी कवि सूदन ने राजा की तारीफ में सुजान चरित ग्रंथ की रचना की, तो जाठों का प्लेटो किसे कहा जाता है? सूरजमल को। बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग चतुर्थ बौद्ध संगति से शुरू हुआ था, मतलब कि पहली 3 में नहीं था संस्कृत का प्रयोग। इसमें त्रिपिटक की रचना संस्कृत में की गई थी और ये ताम्र पत्रों पर उत्कीर्ण किया गया था। उपनिषद वेदांत जो है वो उपनिषदों को कहा जाता है। वेदांत किसको कहते हैं? उपनिषद को। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा जाता था, क्योंकि उसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। और मलिक काफूर एक हिंदू किन्नर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता था, और इन्हें बिना ताज का बादशाह बंगाल विभाजन के विरोध के उपलक्ष्य में कहा गया था। हड़प्पा के दैमाबाद से तांबे के रथ की खोज की गई है। दाइमाबाद से तांबे के रथ की खोज की गई थी। महावीर स्वामी ने जब घर त्यागा तो वो यति कहलाए गए, तो घर त्यागने की घटना उनकी यति कहलाती है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों की जानकारी देने वाला जो उपनिषद है वो जाबालो उपनिषद है, जाबालो उपनिषद। कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना थी। ये छपा था इंडिया टुडे में प्रकाशित एक बुक में, इंडिया टुडे एक बुक है वहाँ, उसमें ये छपा था। ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा और पुरस्कृत किया, जिसने जलियांवाला बाग का हत्याकांड 1919 में किया था। जनरल डायर, उसे हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा था ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, और उसे इनाम भी दिया गया था। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग रास बिहारी बोस ने गठन किया था इसका, और रास बिहारी बोस सर्वप्रथम आज़ाद हिंद फौज के निर्माता, प्रख्यात वकील और शिक्षाविद भी थे।
नर्मदा नदी की बात कर लेते हैं तो ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी और नर्मदा नदी दोनों रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना गुजरात में शुरू की गई है और ये खंभात की खाड़ी में नरेंद्र मोदी ने शुरू की और ये 2020 तक पूरी होने की इसकी संभावना है, कल्पसर परियोजना मीठे पानी की। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि यूपीपीएससी मेन 2005 में आया हुआ है क्वेश्चन। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई, मतलब कि जो भी खाने पीने का खाद्य कृषि थी वो नवपाषाण काल में शुरू हो चुकी थी। यहाँ जो मिला है कोल्डी हवा तथा मेहरगढ़ से नवपाषाणकालिक ग्राम बस्तियां प्राप्त हुई हैं जहां से चावल और गेहूं के स्पष्ट प्रमाण हमें मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि उत्तराखंड पीएससी में 2006 में आ चुका है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में प्राप्त हुआ है, मानव के विकास का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिला है। इसकी खोज 1982 में की गई थी, 1982 में। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज था जौ, जौ को सर्वप्रथम अनाज माना गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, सबसे पुराने साक्ष्य। और अगर नवपाषाण काल की बात करें तो वो कोल्डी हवा और मेहरगढ़ नाम लिया जाएगा। अब हमें उस स्थान का नाम बताना है जहाँ प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ये यूपीपीएससी मेंस में 2008 में आ चुका है क्वेश्चन। तो मेहरगढ़ में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, जिसकी प्रमाणिक तिथि हम बात करें तो 7000 ईसा पूर्व मान सकते हैं इसकी प्रमाणिक तिथि। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। यहाँ पर लहुरा देव ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसीलिए यहाँ पर मेहरगढ़ लिखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप के में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ये यूपीपीएससी मेंस 2007 में आ चुका है और ऊपर वाला जो मैंने क्वेश्चन बोला ये यूपीपीएससी मेंस 2010 में आया हुआ है। तो प्राचीनतम साक्ष्य वही आंसर मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा ताम्र पाषाण युग को, जो कि बिहार पीएससी 2000 में आ चुका है प्री में। चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए औजार भी प्राप्त होते हैं। इसलिए इस पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, यहाँ पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया है, तो नवदा टोली का उत्खनन किया है HD सांकलिया ने। नवदा टोली मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो कि इंदौर के निकट स्थित है। यहाँ से मिट्टी, बांस, फूस के बने चौकोर एवं वृत्ताकार घर मिले हैं। यहाँ के घरों के फर्श तथा दीवारों पर चूने का लेप लगाया जाता था। यहाँ के मूल मृदभांड लाल काले रंग के हैं, ये मैं पूरी डिटेल बता रही हूँ इस क्वेश्चन की, जिस पर ज्यामितीय आरेख उत्कीर्ण है। यहाँ की मुख्य फसलों में गेहूं, अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर, खेसरी तथा चावल है। नवदा टोली का उत्खनन ढक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने किया था। ये स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम पाषाणिक स्थल है। इसकी तिथि 1600 से 1300 ईस्वी पूर्व के बीच निर्धारित की गई है। अब नवदा टोली किस राज्य में स्थित है, ये क्वेश्चन आया हो यूपीपीएससी मेंस 2009 में। तो अभी हमने बात की नवदा टोली मध्य प्रदेश, जो कि इंदौर के निकट स्थित है।
बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान कहाँ की गई है, किस रूप में की गई है, सॉरी, तो ये मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में की गई है। इसके बारे में हम डिटेल में एक हिस्ट्री का वीडियो बना चुके हैं, ये UPPSC मेन 2005 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित ये संगनकल्लू नवपाषाणकालिक पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। पिकली हल में भी राख के टीले मिले हैं। ये राख के टीले नवपाषाण युगीन पशुपालन समुदाय के मौसमी शिविरों से जले हुए अवशेष हैं। तो ये मैं हर क्वेश्चन की आपको डिटेल बताती जा रही हूँ और ये क्वेश्चन UPPSC मेंस 2009 में आ चुका है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चनों की, तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है, तो ये बयाना भरतपुर में मिला है, बयाना जो कि भरतपुर राजस्थान में है, गुप्त काल के सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर। राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर को स्थानांतरित किसने किया, तो ये किया था मीर कासिम ने। शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्थशास्त्र में किया गया था। प्रथम सूफी साधक जिसने अपने आप को अनहलक घोषित किया उसे मंसूर हल्लाज कहा जाता। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का। ये सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मेघनिस्त ने कृष्ण को हेराक्लीज और शिव को डायोनियस कहा था, मेघनिस्त ने कहा था। आगरा एवं फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं, यह कथन था रॉल्फ फ्रिंच का। बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए बेलुवन एवं जैतवन का निर्माण क्रमशः बिंबसार और जैत कुमार ने किया था, मींस बेलुवन का निर्माण बिंबसार ने किया था और जैतवन का निर्माण जैत कुमार ने किया था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महिला थी गौतमी, गौतमी थी जिन्होंने सर्वप्रथम बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, ये MPPSC प्री में 2004 में आ चुका है, तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में डिटेल बता दूं कि भीमबेटका का चट्टानी शरण स्थल भोपाल से 45 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। इन गुफाओं के जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है जिसमें हाथी सांबर हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है जिनमें 243 भीमबेटका समूह में तथा 178 लाखाजुआर समूह में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, तो भीमबेटका से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के पाषाणकालिक स्थल भीमबेटका से चित्रकारी से युक्त 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, तो सेम वही आंसर भीमबेटका। ये उत्तराखंड मेंस 2007 में आ चुका है और UPPSC मेंस 2011 में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो अभी हमने इसकी बात की थी, ये है अब्दुल्लागंज रायसेन में, ये MPPSC प्री 2013 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट, गैरिक मृदभांड पात्र जिसे OCP का नाम कहा जाता है, जिसे OCP भी इसका नामकरण हुआ था, कहाँ हुआ था, ये हस्तिनापुर में हुआ था। इसकी डिटेल है, गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण गेरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया है। इसके साक्ष्य विशेषता हस्तिनापुर और अंतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राशम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, तो ये किस तरफ रखकर दफनाते थे, मतलब दिशा बतानी है,
तो ये दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। इसके बारे में हम डिटेल बता दूं, महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के निवासा दायमाबाद, कोठे, चंदौली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों से घरों से मृतकों के अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण से घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। जौरवे संस्कृति की विशिष्टता नवपाषाणिक एवं बृहत पाषाणिक संस्कृतियों से अनुप्रमाणित प्रतीत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं? तो ये मिले हैं बुज्र होम से, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित एक नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते के कंकाल के शवाधान भी प्राप्त हुए हैं। ये जो बुज होम है, गड्ढे वालों घरे मतलब कि यहाँ पर गड्ढे वाले घर भी मिलते हैं। और इस पुरास्थल की खोज 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये बुज्र होम में, ये उत्तराखंड पीएससी में 2010 में पूछा गया है। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? गर्त आवास माने गड्ढे वाले घर जो होते हैं, ये भी बुज्र होम से प्राप्त हुए। ये यूपीपीएससी में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय में सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो ये लेखिया में मिले हैं सर्वाधिक मानव कंकाल, विंध्य क्षेत्र की बात की गई है यहाँ पर। ये यूपीपीएससी प्री 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बारे में डिटेल की बात करें तो डॉक्टर जे एन पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालत में है तथा अधिकांशतः सत विक्षत है। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकाल की हस्तियां प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संकलन कार्यालय है? तो ये संस्कृति का संकलन कार्यालय है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि सर्वप्रथम भारत में 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय 1902 में इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था। और आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम बात करते हैं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। ये एमपीपीएससी प्री 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बारे में मैं बता दूं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो कि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। यह सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संगठन है। तो आज यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं ऑडियो लेक्चर। करीब 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ आज हमने कंप्लीट किए हैं और ऐसे ही लेक्चर सीरीज लेकर आऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होगी और बहुत आपको लाभ देगी ये लेक्चर सीरीज। तो हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।